नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जॉइंट एक्शन कमेटी ने सेक्रेटेरिएट मसाजिद की जमीन पर नमाज पढ़ने का ऐलान किया। ये कोई ऐलान लाइन ऑर्डर का मसला पैदा करने के लिए नहीं था और ये कोई डिस्टर्बेंस करने के लिए भी नहीं था। ये इंतहाई पीसफुल तरीके से हम अपने मसाजिद पर नमाज अदा करना चाह रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि जो समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन केसीआर गवर्नमेंट ने जो हरकत की, पूरे स्टेट में हर जिले से ये रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर इंटेलिजेंस के बाज मुकामात पर एसपीस, बाज मुकामात पर डीएसपीस ने जॉइंट एक्शन कमेटी के समझिए के हमारे लीडर्स को रोका है और उनको निकलने नहीं दिया गया है। बाज मुकामात पर तो अरेस्टिंग्स हुई हैं और यहाँ पर शहर हैदराबाद में ऐसा दिख रहा था कि सेक्रेटेरिएट को हम फतह करने जा रहे हैं, हम सेक्रेटेरिएट को फतह करने जा रहे हैं, एक बड़ा वार होने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा था। जबकि हम अपनी मसाजिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे और चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी फ्लोर पर यह कमिट किया है कि दोनों मसाजिद सेक्रेटेरिएट में हैं और वो मसाजिद बनाई जाएंगे। ये जो कमिट किया वो भी जॉइंट एक्शन कमेटी के मिलियन सिग्नेचर कैंपेन के बाद, ये कोई एमआईएम की वजह से कमिट नहीं किया। मैं बहुत ज़रा क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ कि देखिए एमआईएम के जो एमपी साहब हैं वो दो महीने गुजरने के बाद एक उलमा के जो उनके ब्रांडेड उलमा हैं उनको लेकर नमाज समझिए कि चीफ मिनिस्टर के पास गए दो महीने के बाद, और दो महीने तक जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुस्तकल फील्ड पे काम किया और मसाजिद के पास बड़े कैंप सिग्नेचर कैंपेन लगे और एक बड़ी कैंपेन सेक्रेटेरिएट मसाजिद की जॉइंट एक्शन कमेटी ने चलाई। उस चलाने के बाद एमआईएम ने अपने ब्रांड उलमा को लेकर समझिए कि चीफ मिनिस्टर के पास गए और वो आवादा करके आके दारुसलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं देखिए डायरेक्ट किसी पर तनकीद का आदि नहीं हूँ, लेकिन आज ये जो ड्रामा हुआ है, हम ये समझते हैं कि क्योंकि एमआईएम हुकूमत की अलाई पार्टी है, एमआईएम हुकूमत के साथ चल रही है और ये जो नूरा कुश्ती हम तुम्हारे साथ नहीं तुम हमारे साथ नहीं, ये जो चल रहा है ये पब्लिक को बताने के लिए, एमआईएम अलाई पार्टी है टीआरएस की और उसके बाद हमको नमाज पढ़ने नहीं दिया गया, तो इसमें डायरेक्ट एमआईएम का एमपी और एमआईएम के समझे फ्लोर लीडर भी जिम्मेदार है। आज की जो नमाज नहीं हुई है उस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिम्मेदार है और मुसलमानों को सवाल करना पड़ेगा इनसे। मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्शन इलेक्शन कुछ भी हो जाए, बहरहाल आज समझिए ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं हम शदीद मजम्मत करते हैं और समझिए कि ये लड़ाई जारी रहेगी। हम सिर्फ नमाज की बात कर रहे हैं, कल जो है सो वहाँ फाउंडेशन स्टोन रखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं। दो आदमी नमाज पढ़ ले, खुद समझिए एमपी साहब और फ्लोर लीडर जाके नमाज पढ़ ले, हम वो पढ़ लें जाकर अगर ईमान की ताकत है तो ये पढ़ लें, हमारा एहतजाज खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये एहतजाज जारी रहेगा। बहरहाल पुलिस ने आज जो रवैया अपनाया उसकी मरम्मत करते हुए, मगर जो पुरमन तरीके से इसको डिस्पर्स समझिए के करने की कोशिश की उसकी भी हम तारीफ करते हैं। शुक्रिया। मस्जिद में आवाज करने के लिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले थे, अल्लाह इन सालिमों और जाबिरों ने हमको नमाज से रोका है, अल्लाह इन सजदों को कबूल फरमा, अल्लाह इन निकलने वालों की जिद्दोजहद को कबूल फरमा, अल्लाह बेशुमार लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अजलाओं से निकल कर आने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं, शहर के लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमा, अल्लाह उनकी रिहाई के सामान पैदा फरमा, अल्लाह इन मसा
मसाजिद में सजदों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। ऐ अल्लाह ये जालिमों और जाबिरों के जुल्म से हमें नजात अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम सिर्फ नमाज पढ़ने का इरादा किए थे, इन लोगों ने रास्तों को बंद कर दिया, पूरे रास्तों को बंद कर दिया, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया, हमारे एक एक कारकुन और एक एक सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। ऐ अल्लाह इन जालिमों को तबाह बर्बाद फरमा। ऐ अल्लाह हम ये जिद्दोजहद मसाजिद में नमाज के कयाम तक जारी रखेंगे। हमें हौसला अता फरमा, हमें कुव्वत और ताकत अता फरमा। अल्लाह जो भी इसमें ताबुन कर रहा है, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे कारकुन हो, चाहे जो भी हो, अल्लाह उनको बेहतरीन अजर से नवाज दे। अम्मा सिफून वस्सलामुन अल मुरसलीन अलहम्दुलिल्लाह।